हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने ही भाई के यूट्यूब चैनल पे डिक्शन राजा में। दोस्तों अभी जो हम बात कर लेंगे ओटैगो स्पार्क्स वर्सेस नॉर्दर्न स्पीड्स के बीच में मुकाबला खेला जाएगा तकरीबन अब से 11 घंटा बाद, आई मीन 4:40 में या फिर 40 मिनट में खेला जाएगा मॉर्निंग में मैच। तो आप लोगों को लगभग 3:30 के बाद उठ जाना है, मीन्स 3:45 में आप लोग मॉर्निंग का अलार्म लगा लोगे। अगर इस टाइम उठ पाओगे तभी आप लोग ये मैच का कंटेस्ट ज्वाइन करना, क्योंकि दोस्तों दोनों टीम ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकती है। हैली जॉनसन वैसे ही नहीं खेल रही है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर ये मैच खेलना है तो आप लोगों को 3:30 के बाद मॉर्निंग में उठना ही पड़ेगा। और ये मैच आप लोग के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है स्मॉल जीएल और मिनी जीएल में, जितना कि आप लोग यार इन मैचेस का वेट करते रहते हो कि मैं इन मैच में पीआर भाई का टीम आएगा और अच्छा खासा विनिंग करवा देगा। तो मैं आप लोग को बोल दूं ये मैच उतना ही रिस्की है स्मॉल लीग में जितना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि स्मॉल लीग में ये मैच बहुत ही रिस्की है, आप लोग को ऑलरेडी बता दूं। और जीएल मिनी जीएल में इससे बेहतर मैच मिलने वाले नहीं है। रीजन आप लोग जब वीडियो कंप्लीट देख लोगे आप लोग को मालूम चल जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है, स्मॉल लीग में आप लोग को ज्यादा नहीं लगाना है। जीएल और मिनी जीएल आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है। मुझे उम्मीद है कि पीआर फैमिली में से कोई बंदा इस मैच में जीएल मिनी जीएल जरूर लाकर मुझे दिखाएगा। रीजन जब आप कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आप लोग को मालूम चल जाएगा। दोस्तों दोनों टीम ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूं कि अनएक्सपेक्टेड चेंज आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और जो प्लेयर ज्यादातर बॉलिंग नहीं की टूर्नामेंट में उसको शायद से बॉलिंग मिल सकते हैं इस मैच में। तो जब आप लोगों के बीच में प्लेइंग 11 आ जाएगा मैं बोल दूंगा कौन कौन 5 बॉलिंग करने वाली है टीम से। तो ये अपडेट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर मैं पिन करके दे दूंगा, आप लोग को ब्लू कलर से दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों टीम जब लास्ट टाइम आपस में भिड़ी हुई थी, क्योंकि लगातार 5 मैच हार के दोनों टीम आ रही है। ठीक है, लेकिन जब दोनों टीम लास्ट टाइम आपस में भिड़ी हुई थी तो वहां पर क्या हुआ था प्रदर्शन, अगर आप कागज पर जाकर देखोगे तो एनएसडब्ल्यू टीम स्ट्रांग लग रही है, लेकिन जब पिछली टाइम भिड़ी थी भाई ओटैगो वुमन्स ने इसको पटकनी दे दी थी और ओटैगो वुमन्स वो मैच जीत गई थी। तो मैं दिखाता हूं कि पिछले मैच में हुआ क्या था। दोस्तों रेन की वजह से मैच शॉर्ट हो गया था और एनएसडब्ल्यू ने पहले बैटिंग की हुई थी। यहां से कैट एंडरसन 1 रन, ब्रूक हैलिडे 37 रन, कैटिंग गड़ी बेहतरीन से बल्लेबाज 22 रन, एम रिचर्डसन 20 रन, एफ डेविस 3 रन, एम हाइट 5 रन। दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से यहां से रिपीट कर रहा हूं कि मेरा जब भी टीम बनेगा वो स्मॉल लीग बेसिस पे नहीं होगा, वो मिनी जीएल और जीएल बेसिस पे होगा। तो आप लोग मिनी जीएल और जीएल ज्यादा खेलने में रिपीट कर रहा हूं, आप लोग स्मॉल लीग में कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर लेना। बाकी दोस्तों बॉलिंग की बात कर लेंगे, ये मैच रेन की वजह से शॉर्ट हो गई थी, इसलिए यहां से इमाम ब्लैक एक ही ओवर डाली हुई थी, अदरवाइज 4 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग डालती है। और इस मैच में भी रेन का सहारा रहने वाला है, तो मुझे लगता है कि थोड़े से ओवर शॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये भी अपडेट मैं आप लोगों को आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे बता दूंगा कि वेदर अभी कैसा है वहां पे। एम लो 3 ओवर, यहां से हैली जॉनसन खेलने वाली नहीं है। फिर आप लोग को सोफी ऑलडर्सो इस टीम की सबसे बेहतरीन स्पिनर, 3 ओवर 22 रन 1 विकेट। एडन कार्सन भी बेहतरीन स्पिनर है, 2 ओवर 9 रन 1 विकेट। जिमा एडम्स 1 ओवर 9 रन 0 विकेट, मीडियम पेस बॉलर है। बाकी दोस्तों टैगो की तरफ से बात कर लेंगे, एम कोमन के बैटिंग अब नीचे कर दिया गया नंबर 2 के आसपास। पॉली इंग्लिश बेहतरीन क्लासिकल बैट्समैन है, आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में इनको ट्राई करके जा सकते हो। केटी मार्टिन अब पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। हैली जॉनसन खेलने वाली नहीं है, सी ब्लैकली, बेला जेम्स। बॉलिंग सेक्शन में जाओगे दोस्तों यहां से तो एल हिप्स टीम की बेहतरीन गेंदबाज, लेकिन सिलेक्शन रेट बहुत ही कम। नंसी पटेल 2 ओवर 17 रन 0 विकेट। एफ लियन डेविस पिछले 2 मैच से मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको पिछले मैच में 1 भी ओवर नहीं मिला था, क्यों नहीं मिला था मुझे पता नहीं। टीम की अगर मुझे बोलोगे कि टीम में सबसे बेस्ट बॉलर कौन है तो मुझे लगता है कि एफ लियन डेविस उनमें से एक हो सकती है। एम रिचर्डसन 2 ओवर 23 रन 0 विकेट, आयरलैंड की एक बेहतरीन से ऑलराउंडर। ब्रूक हैलिडे 2 ओवर 14 रन 1 विकेट, ऑलराउंडर पैकेज, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगी। बाकी दोस्तों पिछले 2-3 मैच से ब्रूक हैलिडे कैप्टनसी का बेहतरीन फायदा उठा रही है और 4-4 ओवर का स्पेल डाल रही है, साथ में आपको बैटिंग भी अच्छी खासी करते हुए दे रही है। सी एस सार्सफील्ड आप लोग को मिनी जीएल जीएल में ट्राई कर लेना है, क्योंकि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोल दिया कि भाई ये दोनों टीम ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर है, तो कुछ भी यहां से बॉलिंग में कोई भी 4 ओवर डाल सकती है, कोई भी 3 ओवर, कोई भी 2 ओवर डाल सकती है। तो हो सकता है सार्सफील्ड के ऊपर अगर कप्तान का ध्यान चले जाए और 4 ओवर डाल दे 2 विकेट लेकर निकल जाए, तो आप लोग के लिए मिनी जीएल जीएल के लिए परफेक्ट काम करके निकल जाएगी। दोस्तों भले आप जितने भी यूट्यूबर का वीडियो देखेंगे सब बोलेंगे कि एनएसडब्ल्यू का आप लोगों को फेवरेट मान लेना है, लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई हैली जॉनसन अगर टीम में नहीं भी ओटैगो का, ओटैगो टीम को कम बताऊंगा। अगर ओटैगो टीम चेस करने जाती है तो मुझे लगता है कि ओटैगो टीम फिर से पटकनी दे सकती है एनएसडब्ल्यू को, क्योंकि ओटैगो के जो स्टार्टर बैट्समैन है, चाहे वो केटी मार्टिन की बात कर ले, पॉली इंग्लिश की बात कर ले, सी ब्लैकली की बात कर ले, या पिछले 2-3 मैच से जो फॉर्म आ चुकी है एम कोवन को लेकर बात कर ले, बेहतरीन टच में ये 4-5 बैट्समैन, और मुझे लगता है कि इस बार फिर पटकनी दे सकती है सामने की जो टीम है एनएसडब्ल्यू उसको। विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो कैटी मार्टिन, दूसरी पॉली इंग्लिश। दोस्तों अब चाहो तो दोनों को अपने टीम में लेके जा सकते हो, फिलहाल के लिए मैंने अपने टीम में कैटी मार्टिन को लिया हुआ है। आगे हम बात कर ले बैटिंग सेक्शन में, तो आपके पास दिख जाएगी ब्रूक हैलिडे, कैटिन गाड़ी, सी ब्लैकली, और दोस्तों ब्रूक हैलिडे 4 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएगी और ओपन भी करती है साथ में। के गर्रे आप लोगों को 1 डाउन बैटिंग करते हुए नजर आ जाएगी, सी ब्लैकली टीम से 2 या 3 डाउन बैटिंग करते हुए दिखेगी, लेकिन बिलो एवरेज प्लेयर है। एम कोवन को आप लोग चाहो तो ले सकते हो, पिछले 2-3 मैच से अच्छी फॉर्म में आ गई है और ये आपको 1-2 कैच भी लेते हुए लॉन्ग ऑफ पे दिखाई दे जाएगी। तो सी एम कोवन आपको 1-2 समझो 2 अगर कैच ले ली इन्होंने
तो 16 पॉइंट तो वैसे ही उन्होंने दे दी। तो आप चाहो तो एम को वन कम्युनिटी में लेकर जा सकते हो। एम जेम्स बी जेम्स पिछले मैच में ओपन की हुई थी तो जीएल मिनी जीएल के लिए एक चॉइस बन जाती है, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है दोस्तों वो एम टेम्पलेटन। मैं क्यों कह रहा हूं कि एम टेम्पलेटन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकंड लास्ट मैच 4 ओवर समथिंग रन और 2 विकेट, ठीक है। फिर सेकंड लास्ट मैच में इन्होंने 3 ओवर 4 ओवर डाली हुई थी, 21 रन 0 विकेट। मैं कहने का मतलब यह कि कैप्टनसी इसको बॉलिंग में भरपूर यूज कर रहे हैं और इसको लगभग कंप्लीट स्पेल मिल रहे हैं। अब देखो दोस्तों अगले मैच में अगर मैं टेम्पलेटन को लेता हूं और ये इनको बॉलिंग नहीं मिलता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। रीजन क्या है कि मैं उसी को देख कर लूंगा जिनका जो इनका एनालिसिस को बताएगी, जो इनका स्टेट्स को बताएगी। एम टेम्पलेटन का स्टेट्स अगर आप निकाल कर देखोगे तो उतनी अच्छी बॉलर नहीं है, लेकिन ओमैन मैच में अच्छी से कुछ नहीं होता है। अगर वो कंटिन्यू 3-4 ओवर डालते हैं तो इनको विकेट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और दोस्तों मैंने आप लोग को एक बात और पहले से बोल रखा है कि ओमैन मैच में आप लोग को या फिर डोमेस्टिक मैच में आप लोग एक चीज एक बात नोटिस की होगी कि अगर मान लो एम कोमैन बॉलिंग नहीं करती, ठीक है, मैं आप लोग को बस एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। और एम कोमैन को कप्तान ने पहले ओवर थमा दी बॉलिंग करने के लिए कि जाओ तुम बॉलिंग करो। एम कोमैन अगर पहले ओवर में विकेट ले ली तो जो एम कोमैन वहां पे एक भी ओवर करने वाली नहीं थी उसको एक्सटेंड किया जाता है, दूसरा ओवर भी मिलता है, तीसरा ओवर भी मिलता है, चौथा ओवर तक भी मिल सकता है। तो वही चलता है एम टेम्पलेटन के साथ। तो एम कोमैन बॉलिंग नहीं करती, इस वजह मत समझना कि एम कोमैन बॉलिंग करती है, ठीक है, ये बॉलिंग नहीं करती है। एम टेम्पलेटन आपके लिए 4 ओवर तक की बॉलिंग कर सकती है। बाकी लूसी बॉचर को मिनी जीएल जीएल में ट्राई करना, ये भी कभी कभी 2 ओवर डालती है, कभी 3 ओवर डालती है, कभी एक भी ओवर नहीं डालेगी और तेज तरार बैटिंग कर सकती है। कैट एंडरसन आप चाहो तो ले सकते हो, आपके स्मॉल लीग में काम कर सकते हैं, एक बेहतरीन तेज तरार बैट्समैन है। और मुझे लगता है कि दोनों टीम टूर्नामेंट से आउट ऑफ मींस बाहर हो चुकी है, तो ऐसा होगा आप लोगों को कि एक टीम वन साइडेड हारने वाली है। कौन सी टीम वन साइडेड हारेगी वो आप लोगों को टॉस के बाद मालूम चल जाएगा। मींस जो पहले बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस मुझे लगते हैं कि मैक्सिमम हो सकते हैं, तो जो पहले बैटिंग करेगी उसको हम लोग थोड़ा सा फेवरेट अपने टीम में मान सकते हैं। तो टॉस का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। सुजी बेट्स खेलेगी नहीं, एम रिचर्डसन एक बेहतरीन से प्लेयर, आप लोग चाहो तो इसको भेजी भी अपनी टीम के दे सकते हो। और दोस्तों हेले जॉनसन फिलहाल खेल नहीं रही है, तो यहां सब चाहो तो एस विल्सन अगर खेलती है तो ट्राई कर सकते हो अपने टीम में। जी एडम्स आपके लिए एक बेहतरीन से प्लेयर, पिछले 2 मैच से 4-4 ओवर की स्पेल डाल रही है और मीडियम पेस बॉलर है। आपको पिछले मैच में शायद से डेथ में भी बॉलिंग करती हुई नजर आई थी, लास्ट के 16 से लेकर 20 ओवर के बीच में शायद इन्होंने 2 ओवर डाली हुई थी और अच्छी ओवर डाली हुई थी। तो आप लोग चाहो तो जी एडम्स को अपने टीम में लेकर जा सकते हो। नैन्सी पटेल देखो दोस्तों सिलेक्शन रेट 71% के आसपास है, जो आप जो मॉर्निंग में खेलने उठोगे 4 बजे के आसपास तो ये 80% के आसपास चले जाएगा। लेकिन नैन्सी पटेल में दिक्कत है कि यानी कि भाई करेगी तो बहुत कुछ कर देगी, 4-4 ओवर की बॉलिंग कर देगी, बैटिंग कर देगी, फील्डिंग कर देगी अच्छी खासी, और नहीं करेगी तो भाई कुछ नहीं करने वाली है। तो अब ये सोचो कि आप नैन्सी पटेल को जिस दिन ले रहे हो उस दिन अगर ये आपके लिए क्लिक नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई 80% के आसपास सिलेक्शन भी है। लेकिन आपने अगर ड्रॉप कर दिया और ये अच्छी खासी कर दी तो आपके लिए फिर समझो कि आप रेस में बचोगे भी नहीं, कहीं से भी आपके जीतने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन एक पॉइंट और निकल के आता है कि नैन्सी पटेल को आपने ड्रॉप किया और ये बिल्कुल फ्लॉप हो गई, तो समझो आप लोग के लिए वो मिनी जीएल जीएल में परफेक्ट काम कर जाएगी, इसकी जगह पर अगर आप किसी दूसरे के लिए हो और वो परफॉर्मेंस कर दे तो। दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में आ जाएंगे तो यहां से इमाम ब्लैक एक बेहतरीन से गेंदबाज, इकार्सन मुझे लगता है कि अब पिछले 3-4 मैच इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट किया अपने बॉलिंग में। और दोस्तों जब मैंने इनको सोफिया डिफेंड के सामने गेंदबाजी करते हुए देखा था इकार्सन को, तो इन मतलब ये होता नहीं कि भाई रिस्क लेती है, आपको आगे बॉल देगी, मारो जितने मारने, आपको फ्लैट देती है गेंद में, और ये इकार्सन ने सोफिया डिफेंड को फंसा ली थी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इकार्सन के जो जिगरा है ना बहुत ही बड़े हैं और मुझे स्मॉल लीग में भी मन करता है कि इकार्सन को लेकर मैं अपने टीम में चले जाऊं, जो लगभग अपने स्पेल के 4 ओवर कंप्लीट डालेगी। फिर नीचे आ जाओगे एमलो, आपको लोगों के लिए इंपॉर्टेंट से बॉलर हो सकते हैं, जो लास्ट ओवर पिछले मैच की डाली हुई थी अगर मैं सही हूं तो आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 ओवर देगी और लास्ट में 1 ओवर लगभग देगी। तो एमलो कहां पर लास्ट में देगी ये कहना थोड़ा टफ हो जाएगा। आप लोग चाहो तो यहां पे 19वां ओवर से ऐसे डाली थी एमलो, तो एमलो को अपने टीम में लेकर जा सकते हो। एस ओल्डर्सो के लेकर बात कर ले दोस्तों, ये 4 ओवर बेहतरीन डालती है और स्पिनर अपनी टीम से बेहतर है, और मुझे लगता है कि एस ओल्डर्सो आप लोग को बहुत जल्द न्यूजीलैंड टीम में शायद, अभी तो मतलब न्यूजीलैंड के मेन इंटरनेशनल टीम में शायद आप लोग को ना दिखे, क्योंकि उनके पास वैसे ही लिक कैस्पेरा अमील आकर जैसे गेंदबाज स्पिनर मौजूद हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दरवाजा पे ये खड़ी है कि भाई साहब कोई फ्लॉप ज्यादा करो और मैं यहां से इंटर कर लूंगा इंटरनेशनल टीम में, इतनी टैलेंट है इनके पास। नीचे आ जाओगे एक गेंदबाज जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं, एल हिप्स, वैसे अब 4 ओवर की कंप्लीट स्पेल एनएसडब्ल्यू इनको देती है, मींस ब्रूक हैलिडेन को 4 ओवर करवाती है पर मैच में, बेहतरीन से गेंदबाज है, डेथ में भी कभी कभी आते हैं, 16 से लेकर 20 के बीच में भी ये 2 ओवर लगभग कंप्लीट कर लेती है अपना या फिर 1 ओवर डालती है, तो वहां पर विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और स्पिनर गेंदबाज है तो स्पिनर गेंदबाज हमेशा ओमैन मैच में 1 ओवर में 2-3 विकेट लेके निकल सकती है। एफ लियोन डेविस टेक्निकल साउंडेड प्लेयर, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से बन देने वाली है, लेकिन इनका यूज पिछले 2-3 मैच में सही से हो नहीं रहा है, तो आप लोग यहां से एफ लियोन डेविस को लोगे तो जरूर लेकिन मिनी जीएल और जीएल में ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन याद रहे एफ लियोन डेविस ऐसी प्लेयर है जो अपने दिन आपको लगभग 70 से 75 पॉइंट दिलवा सकती है। सर्च फील्ड को मिनी जीएल जीएल में ट्राई करना, यह सर्च फील्ड ऐसी थी जो पिछले सीजन धूम मचा
जाकर रख दी थी और इस सीजन ये बिल्कुल ही फ्लॉप जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मिनी जीएल जीएल में आपके लिए परफेक्ट पिक हो सकती है सर्सफील्ड। बैटिंग सेक्शन में दोस्तों मैंने फिलहाल के लिए ब्रूक हेलिडो के कैटेगरी को और मेरे जो तीसरी पिक है वो दोस्तों मैंने फिलहाल के लिए एम टेम्पलेट उनको लिए। और याद रहे कि एनएसडब्ल्यू जब बैटिंग मीन्स बॉलिंग पहले करेगी तो मैं इस टीम से जाने वाला हूं, अदरवाइज मैं अपनी टीम में कैट एंडरसन को चेसिंग के वक्त ले सकता हूं। तो इसके लिए आप लोग को टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ही मस्ट है और उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में दे दूंगा। आप लोग को पिन कमेंट पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाने। और अंडर सेक्शन में आ जाओगे तो मैंने यहां से रिचर्डसन को लिया और यहां से मैंने अब देखो नैन्सी पटेल को और जी एडम्स को। जी एडम्स अगर पहले बॉलिंग करती है एसडब्ल्यू तो शायद से मैं जी एडम्स को प्रीफरेंस पहले दे दूं, नैन्सी पटेल को अपने टीम में ना लूं। और अगर दोस्तों यहां से नैन्सी पटेल की पहले बॉलिंग आती है तो हो सकता है मैं नैन्सी पटेल को अपने टीम में लेके चले जाऊं। बॉलिंग सेक्शन में मैं यहां से इमा ब्लैक, ई कार्सन और दोस्तों यहां से एस अल्डरसो, फिर मैंने हिप्स को लिए और एफ लियान डेविस को लिए हुए। अब मेरे पास 10 क्रेडिट है, मुझे को अब एक प्लेयर लेने हैं। देखो अब एक प्लेयर या तो हो सकता है जी एडम्स नैन्सी पटेल में से मैं किसी एक को ले लूं या दोस्तों मैं यहां से ले सकता हूं पी इंग्लिश को। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैंने अपने टीम में पी इंग्लिश को लिया हुआ है। अब यहां से मुझे नैन्सी पटेल या फिर जी एडम्स को लेना होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। दोस्तों याद रहे ये आप लोग को टीम से मिनी जीएल और जीएल के कंटेस्ट ज्वाइन करने, स्मॉल लीग अगर मुझे खेलने होंगे तो मैं आप लोग को अपडेट टेलीग्राम पे कर दूंगा, ठीक है। कैप्टन बीसी की बात कर ले तो आपके पास बेहतरीन कैप्टनसी का ऑप्शन है ब्रूक हेलिडे। अब देखो दोस्तों आपको कम से कम 6-7 टीम मिनी जीएल और जीएल में लगाने हैं जहां पे ब्रूक हेलिडे को कैप्टन रखना है। बीसी आप लोग को यहां से अपना पेन मतलब कलम घुमाना शुरू स्टार्ट करना है और रिचर्डसन को एक टीम में, दूसरे में ब्लैक को, तीसरे में कार्सन को, चौथे में ऑल्डर्स को, पांचवें में हिप्स, छठे में एपलियन डेविस। 6 टीम आप लोग को कम से कम मिनी जीएल जीएल में उतारना चाहिए। और दोस्तों अगर आप लोग बड़े वाले मिनी जीएल जीएल खेल दो तो इन चारों के साथ भी जा सकते हो, मीन 10 टीम के साथ आप लोग बड़े वाले अगर जीएल खेल दो, जैसे कि मान लो जहां पे 2 लाख मेंबर्स हैं, 3 लाख मेंबर्स हैं, वहां पे आप लोग दोस्तों 10 टीम जो उतारोगे तो कैप्टन सेम रख देना, बीसी आप सारे अपोजिट कर देना, आपके पैसा का पैसा तो कैप्टन ही ला देगी। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपका अगर कोई टीम क्लिक कर जाए जैसे मान लो टेम्पलेट 2-3 विकेट ले ले या फिर पी इंग्लिश 50 रन मार दे तो हमारे पास जो भी प्लेयर है वो टेक्निकल साउंडेड है, आपके लिए गेटिंग रेडी भी एक इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके लिए यहां से अगर कोई डिफरेंशियल पिक बीसी के लिए काम कर गई तो आप मिनी जीएल और जीएल में अच्छा खासा रैंक ला लोगे। फिलहाल के लिए दोस्तों मैंने जिस स्मॉल लीग में कैप्टनसी दिया हुआ है वो मैंने यहां से दिए हुए हैं ब्रूक हेलिडे को, बीसी मैंने फिलहाल के लिए अपनी टीम में दी हुई एमआर रिचर्डसन को। अगर इसमें से मुझे कुछ भी चेंजेस करना होगा तो उसका अपडेट आप लोग को सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर मिलने वाला है। दोस्तों मैंने आप लोग को लगभग सारे से वीडियो के अंदर सारी कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि आप लोग को करना क्या और क्या नहीं करना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना क्योंकि दोनों टीम ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर है, कुछ भी यहां पे चेंजेस हो सकती है, किसी को बॉलिंग मिल सकती है, किसी को बॉलिंग नहीं मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि कल आप लोगों को ब्रूक हेलिडे ही बॉलिंग करते हुए ना नजर आए, तो कुछ भी हो सकता है, या फिर यहां से ब्रूक हेलिडे अपने आपको मींस रेस्ट दे दे, कुछ भी कर दे, तो आप लोग को टेलीग्राम पे बिल्कुल आप लोगों को जुड़ जाने हैं। और अगर आप खेलना चाहते हो मैच तो थोड़ा बहुत मींस कंटेस्ट आप लोग ज्वाइन करके रख सकते हो, रीजन हो सकता है आपको ओपोनेंट सोए रह जाए और कुछ बड़े प्लेयर ये मैच ना खेले। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो यूट्यूब चैनल मेरे चैनल से नए जुड़े हो भाई सब किस बात की देरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सबसे बड़ी बात अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाओ, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट मिल जाएगा, या दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना कुछ ऐसा। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा @PredRaja123। इसके अलावा आप लोगों को आगे कुछ नहीं लगाना है, 8.1 के सब्सक्राइबर दिख जाएंगे, ऑफिशियल जो चैनल होगा उसी पर ज्वाइन होना है, बाकी दोनों फेक चैनल है, फेक चैनल से आप लोगों को सावधान रहने। मेरे जो फाइनल टीम पोस्ट होंगे वो इसी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट होंगे। बाकी दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होगे और अच्छा खासा विन कर रहे होगे। सबसे बड़ी बात अपने फैमिली के साथ, जैसे मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि आप लोगों को टाइम स्पेंड करना चाहिए, ड्रीम इलेवन आती है जाती है, बाकी आप लोगों को जो है ड्रीम इलेवन को ज्यादा सीरियस लेकर नहीं खेलना, बस चिल मार के खेलो, एंजॉय करके खेलो, अच्छा खासा विन करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।